मोदी सरकार ने आज अपना 11वां बजट पेश कर दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट 2024 के पेश होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, उन्हें ये बजट कागजों पर अच्छा लग सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को जैविक खेती सिखाने वाली कंपनियों को इससे ज्यादा फायदा होने वाला है। सरकार को फसलों की कीमत देनी चाहिए, मुफ्त बिजली, सस्ती खाद देनी चाहिए, खेती के उपकरणों पर जीएसटी कम करना चाहिए। देखो, बजट दिल्ली के कागजों में उनको ठीक लगता होगा, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करिए, वो भी कोई न कोई एनजीओ, कंपनी, कोई संस्था वो इसको लेगी और वो कहेगी जी हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे ऑर्गेनिक, या आएगा उस पर पैसा चला जाएगा। वो इसका ये देखना कि किस मद में पैसा जाएगा। डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी, उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। आप उसको पानी फ्री दे दो तो सीधा लाभ किसानों को भी लगा, आप उसको सस्ता फर्टिलाइजर दे दो, दवाइयां दे दो, क्या जितने इक्विपमेंट एग्रीकल्चर में लगते हैं उस पर जीएसटी नहीं है, आप उसको फ्री कर दो तो इक्विपमेंट कुछ सस्ते हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आप सोलार पे दो, आप बिजली पे आप दो, एग्रीकल्चर ग्रामीण उसमें पूरा, जो अगर भूमिहीन किसान है वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है, आपने उसके लिए क्या सुविधा करी। जो दूध उत्पादन करने वाले किसान हमारी महिलाएं माताएं हैं, वे भूमिहीन है, उनके पास में जमीन भी नहीं है, लेकिन वो दूध का उत्पादन करती है, उसके लिए क्या किया बजट में, 20 रुपए किलो दूध के रेट कम हो गए एक साल में। सबसे ज्यादा हालात तो उनकी खराब है। जो कारखानों में काम करते हैं लेबर, उसका क्या करा आपने, हेल्थ पे क्या किया, ग्रामीण हेल्थ पे कोई योजनाएं हैं, एजुकेशन आप उनको फ्री दे दो, उन पर काम करना चाहिए। एजुकेशन जो दिल्ली की एजुकेशन है आप वो करो ना गांव में भी। मैं बता दो कि कोई ना कोई एनजीओ कंपनी आएगी, वो पैसे लेगी और वो कहेगी कि मैं नेचुरल फार्मिंग किसानों को सिखाऊंगी, वे 100 किसानों को बुलवाएंगे, उनका बजट लेंगे, उनको बताएंगे कि आप इसमें गोबर की खाद गेरो, ये गेरो, ये तो किसान कर ही रहा, आप उसकी अलग से मार्केटिंग आप अगर दे दोगे, उसकी अलग मार्केट दे दो उसकी, तो किसान तो नेचुरल फार्मिंग कुछ किसान कर रहे हैं। आपको बता दें कि बजट आने के बाद से लगातार विपक्षी नेता भी बजट को लेकर सवाल उठा रही हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो ने भी केंद्रीय बजट को लेकर उस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में छाए जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहां के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नियत का अभाव है। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा।